हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। एंड आज मैं बनाऊंगा एक प्रोजेक्ट वर्क, मतलब कवर, आप लोग कवर भी बोल सकते हैं इसको। आप लोग किसी भी स्क्रैप बुक पे आप लोग करते हैं या फिर किसी भी चीज़ पे करते हैं, आप लोग उस पर कवर पे उसको चिपका सकते हैं, अच्छा लगेगा बहुत डिजाइनी से। तो गाइस ये मैंने वेस्टेज मटेरियल से बनाया हुआ है, जैसे कि आप लोग ये नीचे देखिए, वेस्टेज मटेरियल से बना भी रहा हूँ, अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो वेस्टेज मटेरियल से मैंने इसको बनाया हुआ है और बिल्कुल वेस्टेज है। आप लोग किसी भी, आप लोग के घर पे पड़ा हुआ ही मिलेगा ये सब सामान, ये मुझे पक्का गारंटी है, मेरा फुल गारंटी है। तो गाइज आप लोग इसको जरूर बनाने की ट्राई कीजिएगा, कोई मेहनत नहीं लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, बस इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ट्रस्ट मी गाइज आप लोग ये बना पाएंगे बहुत ईजिली इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद। बट इसको स्किप भी मत, बीच में स्किप मत कीजिएगा गाइज इस वीडियो को, आप लोग कुछ भी नहीं जान पाएगा, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे गाइज। इसको मैं इसीलिए ज़्यादा लेंथी वीडियो इसीलिए बन रही कि मैं आप लोग को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझा सकूं और इस वीडियो पे आप लोग को बता सकूं कि किस तरह से मैंने वो क्राफ्ट को बनाया हुआ है। तो गाइज जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आप लोग को पहले क्या करना है, आप लोग को गेट के साइज पे सबको काट लेना है। इसके बाद आप लोग दो स्लाइसेस लीजिए, उसको चिपका लीजिए ऊपर ही ऊपर, कुछ इस तरह से आप लोग उसको साइड में कट करके ठीक कर दीजिएगा। और फिर ब्रिक्स बनाने के लिए पतले से कोई भी कार्डबोर्ड से स्लाइसेस कर लीजिएगा, उसको ब्रिक्स बना लीजिएगा काट के, वो बहुत इजी होता है। आप लोग किसी भी साइज का ले सकते हैं ब्रिक्स, आपके हिसाब से, आपके पेज के हिसाब से, आपके पेज के साइज के हिसाब से इस तरह से चिपका लीजिएगा आप लोग पूरा। इसके बाद आप लोग इस तरह से पूरा चिपकाइए। उसके बाद आपके घर में डाल तो ज़रूर होगा, फिर उसके बाद डाल को फेविकॉल से चिपका लीजिए पूरा उस गेट के ऊपर ही ऊपर, ऊपर भाग पे आप लोग उसको चिपका लीजिएगा, और नीचे की साइड पे भी आप लोग पूरा चिपका लीजिए इस तरह से। और यहाँ पर त्रिकट ट्रंक बना लीजिए कार्डबोर्ड काट के आपके हिसाब से, आपके साइज़ के हिसाब से, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ट्रस्ट मी गाइस इस वीडियो को आप लोग देखने के बाद पूरा इसको एग्जैक्टली बना सकते हैं, पूरा एग्जैक्टली, क्योंकि ये मेरा गारंटी है, ये बहुत इजी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। और इस तरह से मैं चिपका भी रहा हूँ। और एक ठो लीजिए, इसको आप लोग वही ब्रिक्स के आकार पर पहले आप लोग स्लाइसेस कट कर दीजिएगा, उसके बाद एक ब्रिक्स के आकार पे लीजिएगा आप लोग कट करके, लेकिन स्क्वायर के लीजिएगा, ब्रिक्स के आकार पे नहीं, स्क्वायर ले लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग स्क्वायर के शेप ले लीजिए, उसके बाद उसको अच्छी तरह से काट लीजिए, इस तरह से चिपकाइए उसके ऊपर ही। और अभी आपका इसके बाद 50% काम तो शायद, हाँ 50% काम आपका यहाँ पर हो जाता है बहुत आसानी से। यहाँ पर अगर आप इसको चिपका दें उसका 50% काम हो गया, और अभी बचा हुआ है बस आप लोग लीफ जो बनाइए उसको। और अभी आप पेस्ट को ले लीजिए और उसके ऊपर टिश्यू पेपर रख के उसको इस तरह से अपने जो फेविकॉल है उसको इसके ऊपर ब्रश से चलाइए जिससे ऊपर लग जाए। और गाइस इसको सूखने एक दो घंटा, डेढ़ घंटा, मिनिमम दो तीन घंटा छोड़ दीजिएगा धूप पे, बहुत जल्दी सूख जाता है धूप पे, तो एक घंटा में सूख जाएगा आसानी से, मेरा एक घंटा में सूख गया था। आप लोग इस तरह से कर दीजिएगा। और हाँ इसके बाद इस तरह से आप लोग चिपकाइए, देखिए कितना अच्छा रूप ले चुका है हमारा। तो अभी इसके बाद आप लोग देखिए, तो इसके बाद आता है बारी कलरिंग का। गैस कलरिंग आप लोग किस तरह से करेंगे, बीच में पूरा येलो और रेड कलर को मिक्स करके लगाइए जिससे ऑरेंज कलर आप लोग पाएंगे, अगर आपके पास ऑरेंज कलर नहीं है तो। इस तरह से येलो और रेड को यूज़ कीजिए, पूरा येलो कलर कर लीजिए।
इसके बाद आप लोग ब्लैक कलर को साइड पे लगाइएगा, साइड के जो हम लोग ब्रिक्स लिए थे वहाँ पर ही। हर साइड पे उसके बाद आप लोग येलो ऑकर लीजिएगा, येलो ऑकर भी ले सकते हैं या फिर मैंने ब्लैक लगाया हुआ है, आपकी मर्जी आप ले सकते हैं। ये कलरिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आप लोग को अच्छा लगता है आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लैक देने से और भी अच्छा लगेगा। अगर आपके पास पहले आप लोग पूरा ब्लैक कर लीजिए और आगे का स्टेप मैं आप लोग को भी बताऊँगा। आगे पूरा ब्लैक कीजिएगा, बस ट्री का ट्रंक को छोड़ दीजिएगा। ब्लैक और ब्राउन को आप लोग मिक्स करके लगाइएगा। यहाँ पर मैंने ब्लैक और ब्राउन लगाया हुआ है बट थोड़ा दिख नहीं रहा है। और इसके बाद आप लोग गोल्ड का कलर लीजिएगा, आपके पास गोल्ड का फैब्रिक कलर है तो उसको आप लोग लेके लगा सकते हैं इस तरह से, जिससे आप लोग को ब्लैक के ऊपर थोड़ा कोटिंग शाइनिंग लगेगा, एक कोटिंग टाइप का हो जाएगा और उसका वहाँ पर एक बढ़िया से शाइनिंग लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। और वहाँ पर ब्रिक्स पे भी आप लोग इस तरह से दे दीजिएगा, जिस तरह से आप लोग अभी से ही देख पा रहे होंगे कि इतना अच्छा शाइनिंग ये करना शुरू हो चुका है। अभी मैंने ये ट्रंक को ब्राउन कलर करना शुरू किया है, वह है इस तरह से। आप लोग मैंने अभी आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने अपने साइज का एक फाइल लिया हुआ है और वहाँ पर चिपकाया हुआ है इसको अभी। और इस तरह से ब्राउन ले लीजिए, उसको पत्ता को ग्रीन कर दीजिए, लीव्स को सारा लीव ग्रीन कीजिएगा, आप जितना ऑटो लीव बनाए होंगे उसको भी, और थोड़ा एक्सट्रैक्ट दे दीजिएगा और घास बना लीजिएगा कुछ इस तरह से। तो गाइस मैंने आपको पहले से बता लिया था वीडियो बहुत ही अच्छा बनेगा और गोल्डन कलर दे दीजिएगा और इसी तरह से। तो यही है स्टेप मैं आप लोग को बोला था, तो ये बहुत ही आसान है गाइस, इसको ट्राई कीजिएगा। और मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो पे आप लोग, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।